100 ट्रेनें ठप रहेंगी जबकि 42 लंबी दूरी की ट्रेनें भी नहीं चलेंगी। सीएसटी से भायखला के बीच सभी लोकल ट्रेन की सेवाएं बंद रहेंगी। दरअसल 135 साल पुराना हैंकॉक ब्रिज जर्जर हो गया है, उसकी हालत देखकर उसे तोड़ा जा रहा है, जिसके चलते सेंट्रल लाइन रूट पर मुंबई लोकल सेवा 18 घंटे तक बाधित रहेगी। पुल को तोड़ने का काम रात करीब 12:20 से आज शाम तक 6:30 तक चलेगा। तो मुंबई का हैंकॉक ब्रिज है ये, जिसको तोड़ा जा रहा है। करीब 135 साल पुराना ये ब्रिज है जो कि बहुत ही जर्जर हो चुका है और इसकी मरम्मत के लिए इसको तोड़ा जा रहा है, इसका फिर से निर्माण किया जाएगा। उसकी वजह से काफी घंटे इस रूट की जो ट्रेनें हैं वो बाधित रहेंगी। यहां पर निर्माण काम और मरम्मत का काम शुरू है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक इसका पूरा हिस्सा तोड़ा जा रहा है और इसकी वजह से मुंबई की लाइफलाइन आज कई घंटे तक ठप रहेगी। हालांकि संडे होने की वजह से लोगों को थोड़ी कम दिक्कत होगी क्योंकि ऑफिस स्कूल्स बंद होंगे। सेंट्रल लाइन रूट पर मुंबई लोकल की सेवा बाधित रहेगी। बात करते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, कितना लंबा ये रूट है और इसको तोड़ा जाएगा, उसके बाद दूसरा विकल्प कौन सा है इस रूट के लिए? मैत्री, यह ब्रिज है जो ऐतिहासिक ब्रिज है, 136 साल पुराना ब्रिज है जो कि सेंट्रल लाइन रूट प्रभावित हुई है। लगभग 100 लोकल ट्रेन रद्द हुई है, इसके अलावा 42 जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो भी रद्द की गई है। इसके बाद जो कहेंगे कि जो सेंट्रल लाइन पर सफर करने वाले मुसाफिर हैं उनकी कहेंगे आज मुश्किलों भरा दिन है। हालांकि सेंट्रल लाइन की तरफ से बस की व्यवस्था की गई है और वहां से टैक्सी ऑटो की व्यवस्था की गई है। फिलहाल कहीं कहीं आज सेंट्रल लाइन पे जो सफर कर रहे हैं यात्री, उनको पहले ही सूचना दी गई थी, लोगों को जानकारी दिया गया था कि ये ब्रिज टूटने की वजह से 18 घंटा का मेगा ब्लॉक रहेगा। तो कहीं तो 18 घंटे का ब्लॉक रहेगा सेंट्रल लाइन पर, लेकिन जैसे हमारे संवाददाता बता रहे हैं